कैसे आप सब लोग, अल्लाह ने आप सबको हमेशा खुश आबाद रखे। सर्दियों का मौसम आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ती जा रही है, और सर्दी के जब भी मौसम आता है तो मज़े मज़े के खाने जो है ना इंसान के खाने को दिल करता है। तो सर्दियों की कुछ खास होती हैं डिशेस, जिसमें से मछली सबसे पहले नंबर पर है, और आज मैं आपको मछली की ही एक रेसिपी दूँगी। मछली बहुत तरीक़ों से बनती है, आज आपको मैं तवे वाली लाहौरी मछली सिखाऊंगी। ये बहुत आसान रेसिपी है और यकीन जाने बहुत टेस्टी बनती है, और मैं चाहती हूँ आप सब लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और सबको बना कर खिलाएँ और फिर तारीफ हासिल करें। ठीक है, तो चलें अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, लाहौरी तवा फ्राई मछली के लिए मैंने क्या लिया है, मैंने तकरीबन 1.5 किलो यानी 1.5 kg मैंने फ़िश ली है। आप इसको इस तरह कट्स में भी कटवा सकते हैं गोल, और इसको आप इस तरह, मैंने आपको दोनों शेप्स दिखा दी हैं कि दोनों शेप्स आप जो है ना वो इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश है, और एक बात याद रखें, मछली का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। अगर मछली फ्रेश नहीं होगी तो उसकी स्मेल भी ख़त्म भी नहीं होगी, और फिर वो उसका आपको टेस्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसके लिए जो स्पाइसेस मैंने जो यूज़ किए हैं उसमें लेमन 2 से 3 अदद, आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं आज लेमन का यूज़ करूँगी, ज़ीरा जिसको, और ये ख़ास जो इसका जो एक स्पाइस होता है अजवाइन, ये देखें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखें ये अजवाइन है, ये मछली का ख़ास ये एक मसाला होता है, इसके बगैर मछली में टेस्ट ही नहीं आता, ये देखें। अब मैंने क्या किया है कि मैंने अजवाइन और ज़ीरे को, मैंने ज़ीरे को पीस कर मैंने उसको पाउडर शेप में लेकर आ गई। ठीक है, ये तकरीबन 2 टीस्पून के करीब अजवाइन और ज़ीरे का पाउडर है। ठीक है, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, और 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर सूखा धनिया, और साथ मैंने सूखी मेथी जिसको हम ना कसूरी मेथी भी बोलते हैं, ये भी इसका एक खास एक इसका स्पाइस है जिसके साथ इसमें टेस्ट बनता है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इन तमाम स्पाइसेस को हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, ये देखें बहुत इजी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है, और साथ सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून। सोया सॉस एक तो इसमें टेस्ट बनाएगा, दूसरा जो इसकी स्मेल होती है उसको भी खत्म करेगा। ये देखिए, ठीक है, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, नमक, स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून बुरा, आधी टीस्पून इसके अभी मैंने फिश को कोई एक्स्ट्रा सॉल्ट कोई विनेगर कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, सब कुछ आपके सामने यहाँ पर लगाऊंगा। अब इसमें मैं ये कसूरी मेथी शामिल कर लूँगी, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है, दो टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट, 2 से 3 कर सकते हैं आप, 3 टेबलस्पून, अब हम एक एक पीस उठाएंगे और मसाला लगाते जाएंगे उसको, मसाले को अच्छी तरीके से रब करें ताकि उसके अंदर जज्ब हो जाए, जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतने ही उसका टेस्ट बनेगा ना। की मैरिनेशन के बाद इसमें हम मैदा ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि इसकी ऊपर जो मसाला लगा हुआ है वो ऑयल में बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। ये देखिए
दो टेबल स्पून हम इसके अंदर मैदा ऐड करके इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। मैदा लगाएंगे तो मैदा जो है वो मसाले को ऑयल में जाकर ज़ाया नहीं होने देगा ना। ये देखिए इसलिए हम अच्छे तरीके से हम इसको मैदे को इसको मिक्स कर देंगे इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाहौरी तवा मछली बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बहुत मज़े की बनी है और इतनी अच्छी देखिए कि खुशबू आ रही है मसालों की, बहुत मज़े की बनी है और मैं यकीन करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह।